बाहुबली आनंद मोहन होंगे जेल से रिहा, बेटे की सगाई पर बिहार सरकार का तोहफा। योगी माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, नीतीश कुमार कानून बदलकर बाहुबली को जेल से बाहर निकलवा रहे हैं। योगी के डर से अपराधी खौफ में है, नीतीश खुद अपराधी को खुले मंच पर दोस्त बता रहे हैं। यूपी में खत्म हुआ गुंडा राज, बिहार में अब फिर शुरू होगा जंगल राज। दो पड़ोसी राज्य और दोनों की कहानी एक जमाने में एक जैसी थी। दोनों राज्यों में खूब गुंडागर्दी थी, बिहार ने पार पा लिया था लेकिन यूपी अब भी फंसा हुआ था। अब यूपी गुंडागर्दी खत्म कर रहा है, बिहार दोबारा अपराध की दुनिया को जिंदा करने में लगा है। फिर जनता क्यों नहीं पूछेगी बिहार के एक्टिव चाचा भतीजा सरकार से, क्यों बदला गया कानून? क्या नीतीश कुमार ने अपने चहेते दोस्त को छुड़ाने के लिए बदल दिया पूरा कानून? सुशासन की सरकार, फिर अपराधी कैसे आने लगे जेल से बाहर? क्या नीतीश ने आनंद मोहन से अपनी दोस्ती अब जाकर निभाई है? नीतीश कुमार बताएं, क्या उन्होंने अपने दोस्त के लिए बेटे की सगाई पर तोहफे का इंतजाम किया है? बिहार में एक नया कानून आया है, क्या ये कानून आनंद मोहन के लिए ही तैयार किया गया है? कई सवाल जनता के मन में है, पहले जरा नए कानून और आनंद मोहन के बैकग्राउंड को जानिए। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई होने वाली है। आनंद मोहन 2007 से जेल में है और अब सजा पूरी होने से पहले बाहुबली आनंद मोहन जेल से बाहर आएंगे। बिहार सरकार ने नया नियम बनाया है जिसके आधार पर आनंद मोहन के रिहाई के आदेश जारी हो गए हैं। ताज्जुब की बात है, यह आदेश आनंद मोहन के बेटे की सगाई के दिन आया है। फिर जनता क्यों ना कहे कि पूरा इंतजाम था तोहफे का। असल में आनंद मोहन बेटे की सगाई के लिए 15 दिन के पेरोल पर थे। पिछले 6 महीने से 3 बार पेरोल पर बाहर आ गए हैं। वो जेल जाते उसके आखिरी दिन उनकी परमानेंट रिहाई के नोटिस आ गया। आनंद मोहन कभी सांसद हुआ करते थे। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में हत्या हुई थी। आरोप सिद्ध होने के बाद आनंद मोहन को 2007 में उम्र कैद की सजा हुई थी। उम्र कैद पूरा होने से पहले अब उनकी सजा खत्म हो रही है क्योंकि सरकार ने नियम बदला है जिसकी वजह से आनंद मोहन समेत 27 लोगों के रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिहार सरकार ने नया नियम 10 अप्रैल 2023 को बनाया है। बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481(1)(क) में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया गया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी बल्कि एक साधारण हत्या मानी जाएगी। इस संशोधन के बाद आनंद मोहन के परिहार की प्रक्रिया आसान हो गई जिसमें उन्हें रिहाई मिल रही है। बता दें, इसी वर्ष 23 जनवरी को नीतीश कुमार ने उन्हें अपना मित्र बताया था। 23 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि समारोह में शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आनंद मोहन के समर्थकों ने उसे रिहा करने की मांग की थी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मन से ही कह दिया तब कि आनंद मोहन की रिहाई के बारे में सोचा जा रहा है, इस पे काम किया जा रहा है। इसी समय नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को अपना मित्र बताया था और ये कहा, वो हमारे मित्र हैं, जब वे जेल गए थे तो उनसे मिलने हम लोग गए थे। अब आनंद मोहन की रिहाई के बाद कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने अपनी दोस्ती निभाई। वहीं रिहाई का आदेश मिलने के बाद यूपी की पूर्व सीएम मायावती का बयान आया। उन्होंने कहा, बिहार सरकार के इस फैसले से दलितों को दुख हुआ है, जिसके जवाब में आनंद मोहन ने कहा, मैं मायावती को नहीं जानता, मैं सिर्फ भगवान सत्यनारायण की कथा वाली कलावती को जानता हूँ। जिस तरीके से अपराधी को रिहा करवाया जा रहा है ये नीतीश कुमार के मनसा पर सवाल खड़े करता है। क्या सरकार ने सिर्फ इसलिए कानून बदला ताकि आनंद मोहन बाहर आ सके? ऐसी दोस्ती में बिहार का क्या होगा? चिंता के बादल बिहार के ऊपर मंडराने लगे हैं।